अल्लू अर्जुन की पुष्पा मूवी ने बनाया एक और दमदार रिकॉर्ड जो आज तक किसी फिल्म इंडस्ट्री में तो क्या किसी बिजनेस में भी नहीं बना। डब्ड फिल्मों की बात करें तो पुष्पा मूवी ने 300% की उछाल दी है हिंदी डब्ड फिल्म इंडस्ट्री में। लैंड बिजनेस में भी इस तरह का प्रॉफिट में उछाल नहीं देखा गया है। इस फिल्म से पता चलता है कि इंडियंस को एंग्री मैन के एटीट्यूड वाली फिल्में पसंद आती हैं। मनीष शाह, जिन्होंने सबसे पहली साउथ फिल्म को हिंदी में डब किया था, ये फिल्म थी मेरी जंग वन मैन आर्मी। मनीष शाह ने इस फिल्म को हिंदी में डब कर 7 लाख में बेचा था। इस फिल्म को 2007 में हिंदी में रिलीज़ किया गया और मनीष शाह ने 90% साउथ की मार्केट को कवर किया हुआ है। मनीष शाह ही साउथ की फिल्मों को हिंदी में डब कर रिलीज़ करते हैं। मनीष शाह को अब चैनल्स हिंदी डब फिल्मों के लिए 20 करोड़ रुपए देने के लिए तैयार हैं। हिंदी डब्ड इंडस्ट्री में ये उछाल पुष्पा मूवी के बाद आया है। मनीष अब अल्लू अर्जुन की एक और ब्लॉकबस्टर मूवी को हिंदी में डब करने जा रहे हैं। ये मूवी है अलय वैकुंठ पुरामुल्लू। इस टाइम अल्लू अर्जुन ही फिल्म इंडस्ट्री में छाए हुए हैं, जिस वजह से मनीष उनकी एक और फिल्म को हिंदी में डब कर रिलीज़ करना चाहते हैं। पर मनीष शाह को शहजादा मूवी के मेकर्स इस मूवी को रिलीज़ करने से रोक रहे हैं, क्योंकि शहजादा मूवी इसी फिल्म की रीमेक है। शहजादा के मेकर्स मनीष शाह को मोटी रकम देने को तैयार हैं ताकि वो इस फिल्म को हिंदी में रिलीज़ ना करें। ऐसा होने पर शहजादा मूवी के मेकर्स को भारी नुकसान हो सकता है। पर मनीष ने इस फिल्म के राइट्स खरीदे हुए हैं और वो इस फिल्म को हिंदी में रिलीज़ करेंगे। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। स्टार्स के अपडेट्स के लिए स्टार्स वर्ल्ड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।